लगता है अब हम स्कूल आ गए हैं। आज जाने छुट्टी आए कहा हो, एक और लड़का ही नहीं दिखाते। हम स्कूल आते हैं, बीड़ी पान पुड़िया खाते हुए आते हैं। मास्टर की औकात नहीं कि बोल दिए तो गिरा के मारी। आई एम राम लपेट और गोंडा। जिस स्कूल में पढ़ता हूँ या तो मैं रहता हूँ या तो मास्टर रहता है, दुई में एक के बलि जरूर हो जात। आज जाने एतवार आए का हो, सब लड़का आए गए। बहन जी खौरियान हुई हैं, आज बहुत लेट हो गए। बहन जी कमीनी कमीना इडियट कहीं का। बहन जी कमीनी बोलता है, बहन जी कमीन। ओ पढ़े लिखे भुला जाए थे। बहन जी मैं आई कमीन सर। यस कमीन। राम लपेट ये बताइए अभी तक कहाँ थे? बहन जी लेट हो कारण है। क्या कारण है? आज कॉपी किताब धोवक दे दिए रहे। कमीने इडियट कहीं का। कॉपी किताब कहीं धोने के लिए दिया जाता है? मार अम्मा कपड़ा धोवक दे, वही में हम कहा कॉपी किताब गंदी रही दे धो दिए साफ हो जाए। कमीने क्या मैं तुझे यही पढ़ाती हूँ? जब भी बोलता है हमेशा उल्टा ही बोलता है और उल्टा ही काम करता है। चल बैठ जा। हाँ बैठ जा। बैठ जाए। बैठ जा। भाई जी, क्या हुआ? इधर नहीं बैठे मिला तो इधर बैठ जा। इधर? अरे हुआ अपने वाली ला बैठ जा। दीदी ये घर से पैसा मांग कर नहीं आता है? इसी तरह मैं लिखने पढ़ने में पढ़ जाती हूँ तो ये बदतमीज हमारे बुदुक्का में कलम चाप देता है। क्यों राम लपेट? बहन जी क्या सुन रही हूँ? नान के इनके बुदुक्का इतनी बड़ी कलम घुसे तुम्हारे बुदुक्का चीटी की। मैं झूठ बोल रहा हूँ। परसों बहन जी हमारे शाही खत्म हो गए कलम वो बुदुक्का में, तो इनसे इनके बुदुक्का के ढक्कन खुला राम घुसे। देखा दीदी मैं झूठ बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। जरूरत नहीं ना एक बाल्टी घोड़े दो साल का फुर्सत। ठीक है आप बैठ जाओ, ऐसी गलती अब दोबारा मत करना। हमका जरूरत है। बेटी रेखा तुम भी बैठ जाओ। भाई जी बेटा आज हमारे गांव में नौटंकी रही है। क्या हम नाच देखे ना हम जाए जाए सो। कमीने तू पढ़ने आता है कि सोने आता? बहुत मारूंगी समझ ले। इनका सबका पढ़ाओ हम जाए सो अच्छा शाही घोल ले। हम बच्चों जो मैंने पढ़ाया था वो सब लोगों को याद हो गया है। आज मैं सब लोगों से पूछना चाहती हूँ क्या ही घोल ले। बेटा राजेश। यस मैम जी। बेटा ये बताइए दिल्ली में क्या चीज मशहूर है? दिल्ली में क्या मशहूर है? कुत्ता छिनार। राम लपेट। अरे कुत्ता छिनार नहीं फिर? कुतुब मीनार है वो। कुतुब मीनार हम कहे कुत्ता छिनार। पागल हो तुम, कुतुब मीनार है वो। पगले का बाप है। बेटा श्याम सिंह। यस मैडम। बेटा ये बताइए भारत में कौन सी नदी जो पवित्र मानी गई है? भारत में कौन नदी पवित्र है? बकुलाही नदी। कमीने बहुत मारूंगी। राम लपेट कभी भी तो सोच समझ कर बतलाया कीजिए। यार भैया इतना पढ़ी से हमका उठे नहीं यार। राम लपेट बकुलाही नदी नहीं पेर? अपने भारत देश में सबसे पवित्र गंगा जी मानी गई है। बहुत अच्छे बैठ जाओ बेटा। सब बास बेटा आपकी पास हो जाए तुमका खेते में बहाओ मुझे। पास होंगे पास नहीं बेटा बैठ जाइए। पास हुए हम कहीं पास हुए हैं। बेटा अर्जुन वर्मा। हम अहू से पूछो कि इन्हें से पूछियो भारत हमार का भाई नंबर। राम लपेट चुपचाप बैठे रहो तुमसे भी पूछूंगी। हमार का नंबर छुट्टी हो जाए तवाई का। बेटा अर्जुन वर्मा। मैडम जी ये बताइए भारत की शान क्या है? मैडम जी हमसे पूछो हम बताओ ये ना बता पाए। ठीक है बेटा तुम बैठ जाओ।
राम लपेट जी, बताइए भारत की शान क्या है? हमारा नाम, खड़े हो जाओ, बताओ राम लपेट, बताओ हमारा नाम पड़ा है गो। मैडम जी, भारत की शान क्या है? हाँ ये बताओ, तुमका मास्टराइन को बना दिए। इडियट कहीं का, ये मास्टराइन बनी है, इनका यही नहीं है कि भारत की शान क्या है, इनका बता दे ये जान जान। कमीना कहीं का, बहुत मारूंगी। भारत की शान हम हैं, अगर हम ही ना हो तो शान को बनाओ। कुछ आता जाता नहीं, कहता है भारत की शान मैं हूँ। इनका बता दे हम ये जान जान। बैठ जाते हैं, बताएगा क्या ये? हमका हम जो नावत हो तोरे बापों का नावत हो। बेटा अर्जुन वर्मा, खड़े हो जाओ, बताओ तुम बताइए। जी मैडम जी, भारत की शान क्या है? राम लपेट को कुछ नहीं आता। राम लपेट अपने भारत देश की शान है तिरंगा झंडा। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। राम लपेट सुना, तुम सुनो, हमका आवाज है। अच्छा, इसीलिए नहीं बता पाए। बेशरम कहीं का। भाई भाई तो चलाता है, हम आदत है। बेटी शीला सिंह। यस मैडम। बेटी ये बताइए, आगरे का ताजमहल किसने बनवाया और किसकी याद में? आगरे का ताजमहल, आगरे का ताजमहल अमरेशपुरी बनवाए श्री देवी की याद में। मैंने राम लपेट, बदतमीजी करो तो बहुत मारूंगी, समझ लो। एक को नहीं मारती हूँ, नहीं काली का आता है। आता जाता नहीं है, अमरेशपुरी बनवाया श्री देवी की याद। किसने बनवाया? मैडम जी, आगरे का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया अपनी बेगम मुमताज की याद में। ठीक है बेटी, बैठ जाओ। शाबाश बेटी। गीता सिंह। यस मैम। ये बताइए, यही तो सही है यार। एक तो आवत हो जी। मैम जी, तुम शांत से बैठे रहो। तुम कहो तो हम स्कूल छोड़ दे। बेटी गीता। यस मैम। भारत में प्रधानमंत्री कौन है? भारत में प्रधानमंत्री मोहम्मद इदरीस भट्टमोसा के। कमीना कहेगा, बहुत बढ़िया नौटंकी चला है। तुम्हारा दिमाग तो सही है। अरे जौन जौन मशीन रखे हैं, गंगा कर्षित पुनीत शर्मा भैया के यहाँ पहुँच गया है। तो पुनीत शर्मा भी देखते हैं क्या? दिल्ली वाले कैसी चल रही थका। अरे कमीने, उन्होंने कंपनी चला रखा है। कंपनी चला है, लौंडा भी एक से एक है। अभी जुबान बंद कर लो, ठीक है? हम बोलबो ना कर। तुम बताइए, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे? हम कहा पड़े हुए लड़का हन का, आप बताओ। मैडम जी, आपने क्या पूछा था? बेटी गीता ये बताइए, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मैडम जी, मान्य हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है बेटी, बैठ जाओ। बेटा राम लपेट, देखो टाइम काफी हो चुका है। आज मैं चाय पीकर नहीं आई। चाय पे भूखान होगा। और मैं तुम्हें मॉनिटर बना रही हूँ। मॉनिटर? अरे वाह। क्योंकि तुम बहुत समझदार हो और पढ़ने लिखने में बहुत तेज हो, इसलिए मैं तुम्हें मॉनिटर बना रही हूँ। वाह बहन जी। सभी बच्चों की देखभाल करना और मैं चाय पी कर आ रही हूँ। आप चाय पी के हम इनका सबका पढ़ाए रहा। आई एम राम लपेट उर्फ गोंडा, आई एम मनीचर, का हो चौधरी दहियल, का कह रहे हो? राम लपेट का कुछ आउते ही नहीं रहा। अब मैं पूछूंगा, तुमको बताना पड़ेगा, अगर नहीं बता पाए तो बुखला निकल जाए। राम लपेट का कुछ आउते ही नहीं है। वाकई में तुम्हें कुछ नहीं आता है? क्या आता है तुम्हें? हमका तो जो नावत हो तुम्हारे बापों का नावत हो। राम लपेट, अब मैं जो पूछूंगा वो तुम्हें बताना पड़ेगा। राजेश कहिए। काय छक्का चपकी के चपका। राम लपेट, तू पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों? अरे ये क्या पूछ रहे हो तुम? ये तुम्हारे आजा बाबा के जमाने का पढ़ाई यार। इतनी पुरानी पढ़ाई हम बच्चों से पूछ रहे हो? साइंस साइड है। ठीक है बताओ, नहीं बोखला निकल जाए। नहीं नहीं, मैं बतला रहा हूँ। क्या पूछा? कै छक्का चपकी के चपका। कै छक्का चपकी के चपका।
राम लपेट, छह छक्का चपकी के चपका, छा छंग 36 चपकी के चपका। सिट डाउन श्याम, खड़े हो जाओ। अब ये बताओ, काय नवैया चूल्हे में लकड़ी? राम लपेट, नौ नवाई चूल्हे में लकड़ी। नौ नवा 81, 8 चूल्हा 1 लकड़ी। बैठ जाओ, राजा महाराजा घर के हो ना, पास हो जाओ, पक्का है। कालिया बोल, गब्बर तेरा क्या होगा? जो पूछेगा वही होगा। ये तो दोनों बज गए। अब ये बताओ, क्या काय नवैया गल चुम्मी के चुम्मा? राम लपेट, तुमने पूछा काय नवा गल चुम्मी के चुम्मा। हाँ राम लपेट, 11 नवैया गल चुम्मी के चुम्मा। 11 नवई 99 गल चुम्मी चुम्मा। वाह सही है, पक्का है, पास हो ये हो। पास हो जाओ। एका याद करो, अब इन मैडम आओ, उनका सुनायो। ठीक है राम लपेट, आओ। कास हो तुहरो कुछ मन होत है? अरे पढ़े लिखे के। हाँ मन होता है पढ़ने लिखने का। ये बताओ क्या तुम्हार का नाम है? मेरा नाम रेखा है। रेखा? हाँ। कहाँ रही तुमका आज ही देखा? रेखा क्या बात है, पढ़ना चाहती हो? हाँ। आओ यहाँ पढ़ाई दे, तुमको छुट्टी मिले। कहा तुम ही आओ, लड़कन का दूरी से लड़कियों को नेरे से पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं वहाँ बैठ कर नहीं पढ़ूंगी। ना बैठियो, तुम्हारा काटी हो दिए। क्या नाम? आई एम मनीचर राम लपेट और गुंडा। ठीक है नाम मत काटना। आओ फिर आओ, आओ। ऐसी पढ़ाई पढ़ाऊंगा किसी स्कूल में कोई पढ़ाया नहीं होगा। पढ़ाइए, तुमका तो जरूर पढ़ो भाई। कहो कहो, कौआ अंधेरी रात में, कौआ अंधेरी रात में करता शुकुर शुकुर, करता शुकुर शुकुर, और मास्टराइन हमारे सामने, मास्टराइन हमारे सामने, मास्टराइन राम लपेट के सामने, मास्टराइन राम लपेट के सामने, कर सकती नहीं टुपुर टुपुर, कर सकती नहीं टुपुर टुपुर। याद करो जाए, आओ आओ। तुहरे खातिर तो हम स्कूल आए थे, नहीं हमका पढ़े लिखे का इतना पढ़ ली कि मास्टर खुदे हमका नहीं पढ़ा पहुँचे। ओए तुम्हारा का नाम है? स्टैंड अप पेंसिलिन, खड़ी हो जाओ। बड़ी कमाल का स्कूल है भाई। क्या पूछ रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गीता है। गीता? हाँ गीता। तुहरे खातिर राम लपेट जीता। तुम्हारा दिमाग सही है? ए सही जौन रहा वो खराब होएगा। आओ पढ़ियो। हाँ पढ़ूंगी। आओ तोहरन खादिन तो स्कूल घर द्वार छोड़े पड़े हैं। आओ कहाँ पे? यहाँ ऑफिस, ऑफिस में आओ। मैं वहाँ पर नहीं आने वाली। ना यह तो तुम्हारा नाम काट दे, आपकी फेल कर दे वैसा वो लगाऊंगा, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। ऐसी बात है? हाँ तो आती हूँ। आओ फिर आओ, यही तो जिंदगी है। आ राजा, तो पढ़े का मन कह रहा है? हाँ पढ़ने के लिए आई हूँ। घबराओ ना, तुमका तो कार्डन से पढ़ोगे का, बंद करो। क्यों? ये सब स्कूल में ना आई, जौन हम पढ़ो वही आई। तो पढ़े के तो वहाँ खूब मन करत है। हाँ। कहो तख्ती, तख्ती, तख्ती बतासा, तख्ती पर बतासा, मुंशी जी हगासा, मुंशी जी हगासा। याद करो जा बहन, मास्टर आई ना हो तो सुनाओ कि उनके मुंशी हगासा। आओ आओ, तुम तो कच्ची हो, तुमका को भी दीज पाए। उठो खड़ी हो। हाँ आओ, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है हाँ। आओ जो ना ठीक हो या सही हो जाए। आओ 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 आओ, 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 आओ। एक से एक कच्ची कली है। और ठीक है? हाँ सब बढ़िया। बढ़िया, एक ना याद करो, यह ना आई। कहो बांसे कोठी बांसे उपजे, बांसे कोठी बांसे उपजे, महुआ कोठी आ रहुआ, महुआ कोठी और रउआ, मुंशी जी कुर्सी पर बैठ के, मुंशी जी कुर्सी बैठ के पादे का भर रउआ, पाद
दे का भर रहुआ। याद करो जाए भाई नाम मुंशियान उनका सुनायो। आओ आओ खाली हो जाओ। तुम्हारा क्या नाम है? जब तुम्हें नाम नहीं आता किसी का तो तुम्हें मास्टर किसने बना दिया? मास्टर छोड़ो हूँ, राम लपेट मनीचर हूँ। राम लपेट मनीटर है हाँ। तो जब तुम्हें नाम नहीं आता तो किन्हें मनीटर बना दिया? 250 लड़का स्कूल में कोई के नाम याद करी। मेरा नाम जानना चाहते हो? क्या नाम है? तो असली नाम सुनोगे। क्या नाम है? मेरा नाम किरण बाला है। किरण बाला जी। तो कहा कहत रहे राम लपेट मूस खा थिया? खा रहे थे तो मैं बता रही थी। खाई तो है तुम्हारे बाप के खाई थी का? अरे सब गंदी चीज है ना। खाबा है मुर्गी मछली एमा पैसा लागत है। मूस एमा कौन पैसा लागत है? बिली में पानी डाल दियो वो के बाद निकाल के मार के खा लियो। तो तुझे कुछ आएगा भी नहीं। हमका आवे के जरूरत तो नहीं। क्या पढ़ोगे फिर? चलो पढ़ो आए। क्या मैं? हाँ मैं क्या पढ़ूं? हम पढ़ाई थी ना। किरण वाला कहो याद करो बगिया का। कौन बगिया? कमीज कैसे बात करता, कैसे बोलता? किस बगिया को याद करूं? कौन बगिया? कौन बगिया की याद करूं? जौने बगिया में ठंडी में मास्टर बैठा के पढ़ावत रहे। अच्छा उस दिन के लिए वही चीज पढ़ाऊंगा। आओ यहाँ। कौन बगिया का समझ गए हो? ठीक है बोलिए। कहो गगरी 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 में बीजा गगरी में बीजा राम लपेट लागे हमार जीजा। याद करो नहीं नाम काट दूंगा। राम लपेट लागे हमार जीजा याद करो जाए। शीला स्टैंड अप पेंसिलिन खाली हो जाओ। अरे राजा पक्का पास हुई हो, फर्स्ट डिवीजन पास हुई हो। शीला बोलिए। राम आओ यहाँ पढ़ाई तो होगा। आओ कौन यहाँ? मैं नहीं पढ़ूंगी। काहे? मैं नहीं पढ़ूंगी। काहे? तुम राजा महाराजा की बिटिया तो पढ़वे ना करे हो। मैं नहीं पढ़ूंगी। सारी लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हो। आई एम राम लपेट उर्फ गुंडा पढ़ाऊंगा, जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं पढ़ूंगी। मैं सारी लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हो। मैं तुम तो ही पढ़े पढ़ पढ़ाई बदतमीजी है। सबको पढ़ा दिया, तुम भी पढ़ोगी। भैया तुम्हारे पास चुके हैं, उनका नहीं पढ़ाऊंगा। ये राम लपेट सारी लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा हूँ, जंगे में बैठा करके लड़कियों को पढ़ा रहा हूँ। आँखी ना दिखाओ हमका। राम लपेट काफी देर से हम तुम्हारी बदतमीजी देख रहे हैं कि हर लड़कियों के संग में आप बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह अन्य लड़कियों को आपने पढ़ाया है उस तरह हमारी बहन वैसी पढ़ाई नहीं करेगी। काहे तुम्हारी बहन स्कूल से अलग है? का हो? मेरी बहन स्कूल से अलग नहीं है लेकिन जिस तरह तुम हर लड़कियों को पढ़ाया है उस तरह हमारी बहन नहीं पढ़ेगी। ना पढ़े? जी नहीं। जबरदस्ती पढ़ाओ यार। राम लपेट जुटा जब सारे लड़कों की बहन गिरवा जब लिहाजा रखता हूँ किस कॉलेज को मेरे पिताजी ने बनवाया है। इसलिए मैं आप लोगों से ज्यादा नहीं बोलता कि आप लोग अपने दिल के अंदर ये सोचेंगे कि इनके पिताजी ने इस कॉलेज को बनवाया इसलिए इन्होंने रंगबाजी और गुंडेबाजी करते हैं। इसलिए राम लपेट मैं अन्य लड़कों की तरह हमेशा आप लोगों के साथ रहता हूँ। किसी के साथ आज तक मैंने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। राम लपेट आप साधारण जिस तरह मैडम जी ने आपको मैनेजर का पद दिया है उसी तरह उस पद पर रहकर और उसी तरह आप पढ़ाइए। जौन तरह मन हो राम लपेट फिर मैं भूल जाऊंगा कि मैडम जी ने आपको मैनेजर का पद दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर मेरे हाथ उठ जाएं। भिड़वा देव सबका राजेशन का ना कौन आएगा यार? ये सब मिसकाउट बना ली इनका। शीला बोलो। गीता बोलिए। कोई क्या कही था? मैं तुमको मारूंगी। सुना किरण बाला अगर मैं हुक्म दे दिया तो तुम्हारे सर में बाल नहीं रह जाएंगे, एक एक नोच लेंगे। हे भैया हे भैया। क्या हुआ यार? हम आप पेट छूट गए यार। क्या? पेट छूट गया। अरे तो लैट्रिन के अंदर जाइए आप। यहाँ क्लास मत गंदा कीजिए। तुम लोग जो पढ़ावा पढ़ो हम आ रहे हैं। अरे ठीक है लेकिन आप जाइए यहाँ से हटिए। देखो भैया
अब आइन भगा ना देता तो राम लपेट कॉलेज के अंदर गंदगी फैला देता। एक झटका में टट्टी उतर आई इनके। कई नवा गल चुम्मी के चुम्मा पढ़ाओ, कई नवा गल चुम्मी के चुम्मा। बच्चों ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैडम जी ये बच्चों की गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है? आपने राम लपेट को मैनेजर का पद दिया था, हर बच्चों को राम लपेट ने ऐसी पढ़ाई पढ़ाया। ऐसी पढ़ाई राम लपेट ने पढ़ाया? मैडम जी हम लोगों को तो जो पढ़ाया वो सो ठीक है, लेकिन जरा एक बार इन लड़कियों से पूछ लीजिए कि उन्हें किस तरह पढ़ाया है। हाँ मैडम जी, तय किरण बाला से पूछ लियो कौन तरह पढ़ाई से राम लपेट है। बेटी ठीक किरण बाला, ये बताइए राम लपेट ने तुम्हें क्या पढ़ाया है? दीदी जी उसने बहुत बदतमीजी किया हमारे साथ। क्या बदतमीजी किया? हाँ। कैसी बदतमीजी? और जो पढ़ाया है याद करो उस बगिया को, गगरी पे गगरी, गगरी पे बीजा, और राम लपेट ला गए किरण बाला के जीजा। क्या? उसने ऐसा पढ़ाया? ऐसा ही पढ़ाई पढ़ा। आने दो उस कमीने को, मैं अच्छी तरह पिटाई करूंगी। बैठ जाओ बेटा। राजेश। यस मैम। राम लपेट का पेट दर्द करने लगा है। क्या? और वो लैटरिंग गया है। लैटरिंग गया हुआ है? जी हाँ। बेटा श्याम देखो उस कमीने को बुलाइए, मैं उसकी अच्छी तरह खबर लूंगी। ठीक है मैम। राम लपेट। ओ भैया क्या कर रहे हो? अबे हम लैटरिंग महान यार। अरे मैं मैडम जी बुला रही हैं। अरे यार अबे लैटरिंग फांसी है वो भाई, नहीं भाई। मैडम जी बेटा अभी वो लैटरिंग के अंदर है। बेटा श्याम वो ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि वो नालायक बहुत कमीना है, उसे कह दो मैडम जी मिठाई लेकर आई तो बहुत जल्द आएगा। राम लपेट। ओ भैया। राम लपेट। ओ भाई। आज मैडम जी आपके ऊपर बहुत बड़ा खुश हैं। सही माँ। राम लपेट। ओ भाई। आज तुमने हम बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाया है कि उस पढ़ाई को सुनकर मैडम जी उसी खुशी में तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लेकर आई हैं। मिठाई? और वो भी का लाए भाई? वो भी लड्डू हैं। लड्डू? जी हाँ। रुक जाया फिर हम आए जी भैया। आइए जल्दी। लड्डू? कमीने लड्डू? अरे कपड़े अपनी संभाल। मायाजाम अबे हम सोचे नहीं ना, रुक जा। कमीना इडियट कहीं का। कॉलेज के अंदर पानी छोड़ के चला गया राम लपेट। बेटा अर्जुन। जी मैडम जी। देखो कॉलेज का टाइम खत्म हो चुका है जी, और छुट्टी का टाइम हो चुका है, घंटा लगा दीजिए। जैसे आज्ञा मैडम जी। बच्चों और सभी बच्चों जाइए, रास्ते में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। यस मैम। जाओ घंटा बाजे यार। टन 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 टन